लेता हूँ। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग का तीसरा क्लास। दो क्लासेस में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था, आज हमारा ये तीसरा क्लास है। और तीसरे क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे रिकॉर्डिंग मैकडे के ऊपर। जैसे कि आपके एक्सेल में, जो आप एक्सेल इस्तेमाल करते हैं, उस एक्सेल में एक फीचर है आपका कि आप रिकॉर्ड मैक्रो को रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड मैक्रो क्या करता है, जैसे कि आप अगर व्यू में भी रिकॉर्ड मैक्रो होता है डेवलपर नहीं है तो यहाँ माइक्रो पे आपने क्लिक किया और रिकॉर्ड पे क्लिक कर लिया। अब क्या होगा, यहाँ पे माइक्रो का नाम दीजिए एंड ओके कर दीजिए। अब मैं कुछ भी करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा, रोल नंबर लिखा और मार्क्स लिखा, तो इस सेशन को इसने रिकॉर्ड कर लिया। अब एक चीज यहाँ पे गौर से समझिए, रिकॉर्डिंग माइक्रो या कोडिंग माइक्रो दोनों सेम होता है, राइट सर? बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि सर माइक्रोज मतलब होता है कि आप रिकॉर्ड जो करते हैं उसको माइक्रोज कहते हैं और जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसको वीवीए कहते हैं। तो वीवीए के जरिए भी हम प्रोग्राम करके भी हम माइक्रोज ही बनाएंगे, राइट सर? और रिकॉर्डिंग के जरिए भी माइक्रोज बनता है, दोनों सेम है। रिकॉर्डिंग एक आपका माइक्रो बनाने वाला एक ऑटोमेशन मान लीजिए कि टूल्स है जो जो कि आपके माउस एक्शन को वीवीए प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करता है। माउस एक्शन को वीवीए प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करता है। तो किस तरह कोड में, आप यहाँ डेवलपर में जाएं और यहाँ इसको एडिट करें माइक्रो को, जैसे माइक्रो 3 को हमने यहाँ से एडिट कर दिया। तो ये देखिए, ये भी एक तरह का यही सेम कोडिंग आप भी करोगे। अब क्वेश्चन आता है कि जब वीवीए माइक्रोज की जो प्रोग्रामिंग है रिकॉर्ड माइक्रो खुद ब खुद कर देता है तो फिर हम कोड करेंगे क्यों? खुद ब खुद हम करेंगे क्यों, एक क्वेश्चन यहां पे आता है। तो यहाँ पे बात ये होती है कि रिकॉर्डिंग माइक्रो की मदद से, जो रिकॉर्डिंग की माइक्रो है उसकी मदद से आप पूरी की पूरी माइक्रोज नहीं बना सकते आप। क्यों? क्योंकि डायनेमिक रिपीटेशन कंडीशंस ये सारी चीजें आपको नहीं होगी इस पे। ठीक है सर? तो डाउनलोडिंग इस सब चीजों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वीवीए प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत से बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, जब खुद ब खुद रिकॉर्ड हो जा रहा है सर तो फिर हम प्रोग्रामिंग क्यों करें, क्यों सीखें इतना लंबा? तो प्रोग्रामिंग की मदद से आप माइक्रो पूरी तरह से यूज इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अब इस पे दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि फिर फायदा क्या है? कि देखिए, इसमें दो तरह से फायदे हैं। पहला फायदा है यहाँ पे कि आप जो आपके जो बड़े बड़े रिपोर्ट्स होंगे, जो आपके बड़े बड़े रिपोर्ट्स होंगे, उस बड़े बड़े रिपोर्ट्स को में 10 लाइन मतलब 10 पेज 20 पेज की प्रोग्रामिंग होगी, उसकी मोस्टली प्रोग्रामिंग आपका ये माइक्रो कर देगा, पहली चीज। दूसरी, आपको लर्निंग में, जैसे मान लीजिए आपको कॉपी करने का कोड नहीं पता या आपको पेस्ट करने का कोड नहीं पता, वहां पे आपको सहायता देगा। तो चलिए एक काम आपके साथ हम करते हैं, एक माइक्रो को हम आपके साथ ऑटोमेट करते हैं, ठीक है सर? चलिए मैं इस डेटा को उठाता हूं और एक नई एक्सेल शीट पे पेस्ट करता हूं और इसको मैं यहां से क्लोज कर देता हूं। अब यहां पे मेरे पास डेटा है तो मुझे इससे एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा माइक्रो बनाना है कि जिसको रन करूं तो मुझसे पूछे जोन
या मां हाँ जोन पूछे, मान लीजिए जोन पूछे, मैं जोन जो डालू उस जोन का, या फिर मान लीजिए मैं सेल्स पर्सन की बात कर रहा हूँ, चलिए सेल्स पर्सन में मुझसे नाम पूछे, मैं जिस सेल्स पर्सन का नाम डालू उस सेल्स पर्सन का डेटा कॉपी करके एक नई सीट पे या एक नई फाइल पे पेश कर दे। तो हम इसके लिए प्रोग्रामिंग करेंगे, लेकिन हम पहले रिकॉर्डिंग माइक्रो के मदद से गुजर रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग करते समय ध्यान रखिएगा कोई फालतू क्लिकिंग नहीं, एक्स्ट्रा क्लिकिंग नहीं, जो ऑलरेडी सीट पे उस पे जाना नहीं फाइल पे, मैं जितना जरूरत है उतना ही करना है, कहीं एक्स्ट्रा क्लिक क्लिक मत कीजिए, वरना सारा क्लिक क्लिक करने का सबका करने का कोड आपको यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हम रिकॉर्ड माइक्रो में जाते हैं और माइक्रो को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, हमने सेलेक्ट किया, हमने फिल्टर लगाया और हमने यहाँ पे यहाँ पे पूजा को सिलेक्ट किया, ओके किया डेटा। अब देखिए पिवट टेबल में कभी भी सिलेक्शन कीजिएगा तो माउस से सिलेक्शन मत कीजिएगा, आप सिलेक्ट कीजिएगा कंट्रोल शिफ्ट एरो से, जैसे कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन एरो कर दिया, और कभी भी कॉपी करने से पहले आप कंट्रोल जी स्पेशल एंड विजुअल सेल्स ओनली जरूर कीजिएगा, ताकि पीछे का डेटा कॉपी हो जाए, पीछे का डेटा कॉपी ना हो। और यहाँ पे ऑलरेडी सीट है, फिर भी हम एक नई सीट ऐड करेंगे, उस पे पेस्ट करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी फिलहाल सीट है, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर में सीट ना हो, तो आपको माइक्रो रिकॉर्ड करने से पहले एक सीट रखना होगा और नेम फिक्स रखना पड़ेगा। अब मैं इस सीट का नाम पूजा कर देता हूं, ये तो एक नई सीट पे कॉपी हो गई। अगर मैं चाहता हूं कि इसको एक नई फाइल पे कॉपी करना, तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, मूव एंड कॉपी, यहां पे न्यू वर्कबुक एंड ओके, और फिर इस फाइल को सेव करूंगा डेस्कटॉप पे या जो भी लोकेशन आप सेट करोगे उस लोकेशन में पूजा के नाम से। और यहां पे मैं एक्सएलएस माइक्रो माइक्रो नेम वर्क बुक लेता हूँ और फिर फाइल को क्लोज कर देता हूँ। सीट वन पे आता हूँ और फिर इसको फिल्टर हटा देता हूँ और यहाँ से स्टॉप करता हूँ। अब देखिए इस माइक्रो को मैं रन कर दूं तो नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि माइक्रो रिकॉर्ड हुआ है बट ये डायनेमिक नहीं हुआ है, तो इसको डायनेमिक करने के लिए हमें कोड को एडिट करना होगा। देखिए अब कोड को सीधे समझते हैं, लिखा हुआ कोड को समझते हैं। देखिए रेंज रेंज A1 डॉट सिलेक्ट, फिर सिलेक्शन डॉट फिल्टर। अब यहाँ पे देखिए दो दो फिल्टर लग रहा है, ऑटो फिल्टर दो दो लग रहा है, तो एक ऑटो फिल्टर को हटा देता हूँ। यहाँ पे रेंज A1 से लेके 1784 को ऑटो फिल्टर किया गया है, फिल नंबर 7 और क्राइटेरिया पूजा को। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है कि डेटा कल के डेट में आपका बढ़ सकता है या घट सकता है, अभी तो चलो आपको 1782 है, कल के डेट में डेटा ज्यादा भी हो सकता है। जी सर, जी सर, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे देखा कि हम कंट्रोल ए करने पे फिल्टर हो जाता है, मतलब मैं सिर्फ इस पे A1 को सिलेक्ट करके भी अगर फिल्टर लगाता हूं तो पूरा डेटा फिल्टर होता है। तो इसका मतलब है कि मैं कोड में अगर इसको हटा दूं, A1 कर दूं, फिर भी मेरा ऑटो फिल्टर लग जाएगा। तो ये आपका आपका आ गया रेंज सिलेक्शन राइट डाउन पेस्ट स्पेशल, हमने यहाँ पे सिलेक्शन स्पेशल किया, हमने कॉपी किया, सीट को हमने ऐड किया, हमने सीट को पेस्ट किया। अब यहाँ पे देखिए सीट 4 सिलेक्ट और नेम चेंज। अब यहाँ पे एक दिक्कत है, क्यों? कि जब भी हम नई सीट ऐड करते हैं तो जरूरी नहीं को सीट 4 हो, सीट 5, सीट 6, सीट 7 कुछ भी हो सकता है वो। क्या सर? तो मैं यहाँ पे इसको सीट 4 को डिलीट कर देता हूं और ऊपर जैसे एक्टिव सीट डाला हुआ है, मतलब कि जो सीट ऐड होती है वही एक्टिव होती है, तो यहां पे हम एक्टिव सीट डॉट नेम पूजा कर देते हैं।
अब यहां पूजा डॉट सिलेक्ट एप्लीकेशन रहने देते हैं, यहां पे पूजा डॉट मूव इसमें ले देते एक्टिव शीट डॉट मूव और ए पाथ जो है ये आ गया है, इसको हटा देता हूं और एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव पूजा आ गया सही है विंडो। अरे ये पाथ क्यों हटाया हमने? वो जो आपका डायरेक्टली आ जाता है ना ब्राउज बटन, उसका कोड था, उसकी जरूरत नहीं है फिर हमें। जब आप करते हो ना जैसे फाइल ओपन वगैरह करते हो सेव करते हो, जो आपका ये डायलॉग बॉक्स आता है सेव का, वो इसका कोड था, इसको लाने का कोड था। ठीक है जी सर। फाइल नेम सेव कर दिया, क्लोज। हाँ यहाँ पे सिलेक्शन डॉट ऑटो फिल्टर। अब ये फाइल हमारा वर्क करेगा, ये फाइल हमारा वर्क करेगा लेकिन सिर्फ पूजा के लिए। एक जैसे पूजा नाम का था ना, कहाँ एक बार कहाँ पे सेव किया है? ओ ये एडिंग्स में सेव कर दिया। एक मैं और ड्राइव में सेव करता हूँ। एनपी में सेव कर देता हूँ सबसे अच्छा। ठीक है अब मेरा फाइल अब मेरा ये रन करेगा, मैं इसको एक बार रन करवाता हूँ। ओके यहां देखिए पूजा का आ गया, पूजा और डेटा भी है पूरा पूजा का है। बट प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ पूजा का ही करेगा, मुझे इसको ऑटोमेट करना है। मतलब कि जब यहाँ पे जो पूजा है इसको मैं चेंज कर, जहां जहां पूजा लिखा हुआ वहां वहां का चेंज कर देता हूं तो फिर ये उसका करेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझसे पूछे पॉपअप दे, तो यहाँ पे मैं कोड ऐड कर देता हूं जैसे कि पर्सन नेम पी इक्वल टू इनपुट बॉक्स और यहां पे मैंने कर दिया कि एंटर नेम। अब जो अब क्या होगा कि एक बॉक्स मिलेगा, इनपुट बॉक्स मिलेगा, पॉपअप आएगा, उस पर हमें नाम डालना है, जो नाम डालेंगे वो पी पे स्टोर हो जाएगा, जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स में करते थे ना एक्स आर क्या बोलते थे एक्स एक्स लेते हैं और उसको लेते हैं एक्स वाई जेड लेते थे और एक्स इक्वल टू 100 कर देते थे, जहां पे एक्स चाहिए होता था 100 चाहिए तो वहां पे एक्स लेते थे। तो उसे हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि जो नेम इक्वल टू पी है और जहां जहां हमें नेम चाहिए वहां वहां जस्ट पी दे देना है आपको पी और यहाँ भी पी, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा मत दीजिएगा। अब यहाँ प्रॉब्लम है कि मुझे इन्वर्टेड कॉमा में नहीं देना है और यहाँ पे आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है, तो यहाँ पे कॉनकाटा नेट वाला मेथड अपना लेंगे हम, ज्वाइन हो जाएगा। अब देखिए अब क्या होगा कि जैसे ही मैं इस मैक्रो को रन करूंगा नाम पूछेगा, मैं इसमें नाम दे देता हूं मान लीजिए देव एंड ओके। अब देखिए आपके पास देव नाम का रिपोर्ट बन गया। तो अभी आपने देखा कि हमने मैक्रो को रिकॉर्ड किया और उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली मैंने कर दी, थोड़ी बहुत चेंजिंग कर दिए, कुछ ऐड कर दिया, कुछ डिलीट कर दिया, तो हमारा पूरी की पूरी एक ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स की मैक्रो बन गई, जो कि फिल्टर करके डेटा कॉपी करके अलग फाइल में एक अलग लोकेशन में सेव कर रही है। तो रिकॉर्डिंग मैक्रो का इस्तेमाल हम इसी चीजों के लिए करते हैं कि जब बड़े बड़े कोड्स बनाते हैं उसमें हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर उसको जहां जहां डायनेमिक नहीं होता है उस कोड को चेंज करते हैं और मेरा ये कोड परफॉर्म करता है। सर ये पी के जगह
एनी कैरेक्टर रखेगा वो भी वही स्टोर होगा ना। हाँ कुछ भी कैरेक्टर ले सकते हैं, एक्स वाई जेड एबीसीडी कुछ भी ले सकते हैं, नाम एनीथिंग दैट्स ब्रेवल, जैसे मैथमेटिक्स में कुछ भी ले सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी आप एक्स लो ए लो बी ही लो, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जरूरी थोड़ी है, हम वहां पे तो ये भी कर सकते हैं ना कि एम स्क्वायर पी स्क्वायर टी स्क्वायर भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो अभी आप लोग क्या करें, जो मैंने रिकॉर्डिंग माइक्रो बताया है इस माइक्रो को रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड करके मुझे आप तकरीबन 2 या 3 माइक्रो दे सर बना के, माइक्रो को रिकॉर्ड करें उसके अंदर तब्दीली कीजिए या फिर ऐसा माइक्रो रिकॉर्ड कीजिए जो कि एक काम कर रहा हो, तो आपके जो काम करने वाले माइक्रोज है उसको रिकॉर्ड कीजिए, कुछ माइक्रो का सैंपल रिकॉर्डिंग माइक्रो का सैंपल बनाइए मुझे भेजिए, ठीक है सर।